Thank you. हाँ जी नमस्कार क्या हाल चाल साथियों सभी का स्वागत है अभिनंदन है जुड़ जाइए एक बार सारे के सारे लाइक कितने कम जनों ने कर रखे हैं सत्ताईस तेईस जने आ रहे हो आठ जनों ने लाइक कर रखे हैं लाइक करने में इतनी कंजूसी कैसे रहे यार है अंगूठे तो दुबाना है क्या अंगूठे वाले निशान पर क्लिक ही तो करना है जाओ लाइक करके आओ पहले आज क्लास राजस्थान वाले चैनल पर है हेलो प्रणाम पवन एम गोलू मीना विशाल शर्मा सारे के सारे जने लाइक करेंगे वीडियो को शेयर करेंगे फटाफट से फटाफट फटाफट फटा फट, फट फट पचास प्लस कर दो फिर क्लास शुरू कर दें राम राम सा रंजीत दिलीप राम राम सा लाइक और आपके शेयर फटाफट से कर लो पचास प्लस, प्लस हो जाओ ताकि क्लास शुरू करें अपन मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में और मारवाड़ के इतिहास में अपन राव मालदेव पढ़ रहे थे मालदेव के अंतर्गत अपन ने आधा पढ़ लिया था और एक युद्ध और बच रहा था मालदेव का हाँ जी गुड इवनिंग एम के वैष्णव दीपिका श्याम सिंह भाटी साहब दिलीप सिंह गोलू शर्मा हेलो 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 हेलो, हेलो स्वागत अभिनंदन ठीक है अपन क्या पढ़ रहे थे राव मालदेव राव मालदेव और राव मालदेव के बारे में अंतर्गत अपन इनके युद्ध पढ़ रहे थे युद्धों के अंदर अब अपन को बात करनी है गिरि सुमेल के युद्ध की आज किसके बारे में बात करेंगे गिरी सुमेल का युद्ध गिरी सुमेल युद्ध 1544 1544 पंद्रह गिरी सुमेल का युद्ध इससे पहले मैं आपको बच्चा बता चुका था कि साहब ये है ना जो आ, मालदेव आसपास के सभी राजाओं को हरा देता है मेड़ता वाले को हरा देता है नागौर वाले का पठान को ना वाले दौलत खान को हरा देता है मेड़ता के वीरमदेव को हरा देता है वीरा सिंदल भाद्र से भाद्रजुण छीन लेता है तो ये आसपास में इतना साम्राज्यवादी था कि इसने आसपास के जितने भी एरिया ना उन पर कब्जा कर लिया था ठेठ धौलपुर तक कब्जा कर लिए थे इसने तो राजस्थान के सभी राजा परेशान थे इससे तो सारे मिल करके और फिर दूसरी बात ये कहाँ चला गया ये चला गया सीधा का सीधा बीकानेर बीकानेर में पाएबा साहेबा का युद्ध हुआ था बीकानेर पर कब्जा कर लिया था इकतालीस में तो उनके दोनों जो बेटे हैं आ, क्या नाम उसका कल्याणमल और भीमराज ये दोनों बिना घर के घूम रहे हैं आगे बात समझ में हाँ क्या चल रहा है भाई डिस्कनेक्ट क्यों हो गया कनेक्टेड हो गया क्या सबकी क्लास चल रही है गुड इवनिंग जयराम योगी जी हाँ फटाफट से जुड़ जाओ फटाफट से ठीक है अब जो है दिल्ली का सुल्तान कौन है इस समय में शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी हुआ करता था तो सारे जने मिलकर के शेरशाह सूरी के पास गए जाकर के कहा कि साहब चलो उस आदमी को सबक सिखाओ बड़ा परेशान कर चुका है वो हमें सबके घरों पर कब्जे कर लिए है आदमी ने अच्छा मानविका जी विशाल गुड इवनिंग एक बार लाइक और शेयर करो भैया सारे के सारे पचास प्लस करो फटाफट से फटाफट पचास प्लस हो जाने चाहिए लाइव व्यूवर्स भी पचास हो जाने चाहिए और आपके लाइक्स भी जो है ना वो पचास प्लस हो जाने चाहिए फटाफट से तो साहब हुआ क्या आखिरकार फिर शे, शेरशाह सूरी ने पूछ लें कि मेरा क्या फायदा इसमें कि आपको जोधपुर मिल जाएगा मारवाड़ पर कब्जा कर लेना हम लोग आपका साथ देंगे ठीक है तो यहां पर ये जो गिरिशुमेल का युद्ध है ये होता है मालदेव मालदेव वर्सेस सामने कौन था शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में होता है आगे बात समझ में आगे बात करें <coughs> इन दोनों के बीच में जब ये युद्ध होता है युद्ध से पहले गिरी और सुमेल क्या है गिरी और सुमेल एक गांव है गिरी अलग गांव है सुमेल अलग गांव है आगे बात समझ में तो ये दोनों गांव हैं गिरी के अंदर जो पड़ी हुई है किसकी सेना मालदेव की सेना पड़ी हुई है सुमेल में किसकी सेना पड़ी हुई है शेरशाह सूरी की सेना पड़ी हुई है दोनों युद्ध से पहले योजनाएं बना रहे हैं योजना बनाने के अंतर्गत अगर अपन बात करें योजना के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो यहाँ पर शेरशाह सूरी आ तो गया यहाँ राजस्थान में आ तो गया मालदेव से लड़ने आ तो गया लेकिन आने के बाद में उसने पता किया कि यार मैंने दुश्मन के बारे में तो पता ही नहीं किया इसके बारे में पता तो करो कैसा है जब उसके खुद के गुप्तचर गए उन्होंने जब पता करके आए तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई शेरशाह सूरी के शेरशाह सूरी के को आकर के उसके जो गुप्तचर थे उन्होंने कहा था कि भाई साहब महाराज गलत आदमी से पंगे ले लिया अपन ने तो आदमी बड़ा खतरनाक है ये तो लोगों के प्लॉटों पे कब्जा करता है, फिरता है तो अच्छा और योद्धा कैसा कि योद्धा तो पूछो ही मत योद्धा है तभी तो कब्जे कर लेता है इसके खिलाफ कोई लड़ी नहीं पता इतना पावरफुल है तो साहब इसका जो पावर बैंक है ना वो कौन है ये बताओ मुझे तो भाई इसका जो इस, इसके पास में जो इतनी शक्ति है ना इस शक्ति का पुंज कौन सा है इसका शक्ति का स्रोत क्या है कि इसके दो सेनापति हैं जेता और कुंपा जेता और कुंपा इसके दो सेनापति ऐसे सेनापति जो कभी भी इसका साथ नहीं छोड़ते और महान योद्धा है वो तो एक काम करते हैं फिर जेता कुंपा को मालदेव से अगर अलग कर दें अपन तो फिर आराम से जीत सकते हैं जीत तो सकते हैं लेकिन उनके बारे में सुना है कि वो अपनी जान दे देंगे लेकिन कभी दगाबाजी नहीं करेंगे साहब धोखा नहीं देंगे अपने राजा को विश्वासघात नहीं करेंगे तो साहब कोशिश तो करके देखते कोशिश करने में क्या है कोशिश तो करो कोशिश की गई कोशिश की के तहत जो है पहले उनके पास में समाचार भेजे गए जाकर के कहा गया उनको जेता और कुंपा को बटाया गया कि साहब आप इधर आ जाओ आपको जोधपुर का उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई साहब चाय गर्दन काट दो लड़ते लड़ते मर जाएंगे लेकिन अपने राजा को धोखा नहीं देंगे जा कर के बोल दिया शेरशाह सूरी को भाई साहब वो तो नहीं आ रहे उन ऐसा और कह दिया कि अब तो मैं तुम्हारे चार आदमी ज़्यादा मारूंगा मेरे को घुस देने की कोशिश कर रहे हो रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो शेरशाह सूरी ने फिर एक चाल खेली उसने शेरशाह सूरी ने अपने नाम के जो सिक्के हैं उनकी पोटलियाँ जेता और कुंपा के जो टेंट लगे हुए थे उनके अंदर छुपा दी अपने आदमियों से और एक ऐसा लेटर लिखवाया दोनों के नाम पर जैसे कि लेटर कौन लिख रहा है ये लेटर लिख रहे हैं कौन जैता और कुंपा दोनों लिख रहे हैं किसको लिख रहे हैं शेरशाह सूरी को लिख रहे हैं कि साहब आप कल से युद्ध कल युद्ध शुरू होगा ऐसे युद्ध के अंदर जो है आप ऐसे ऐसे करना हम वहाँ पर आपका साथ देंगे और मालदेव को हरा देंगे और वो जो दो लेटर हैं हालांकि वो जैता और कुंपा को तो कुछ पता ही नहीं था वो दोनों जो लेटर है ना वो पहुँचा दिए गए किसके पास में मालदेव के पास में रातों रात किसके पास पहुंचा दिए गए मालदेव के पास पहुंचा दिए गए ठीक है अब मालदेव के पास में जब आ गए मालदेव के पास में जब वो आए तो जब मालदेव के पास में आ गए वो तो मालदेव को थोड़ा सा अविश्वास हो गया कि यार ये तो मेरे आदमी है इनसे मिले हुए ऐसे कैसे तो बड़ा उसको बुरा लगा बहुत बुरा लगा उसको कि यार मैं इन पर इतना विश्वास करता था मेरे ही सेनापति ऐसे कैसे हो गए तब कहते हैं कि साहब इतना आया विश्वास हुआ उसको कि वो वहां से युद्ध छोड़ करके चला गया रातों रात बिना रात बताए किसी को युद्ध छोड़ करके चला गया हाँ सेना अपनी सेना लेकर के वापस चला जाता है अब रात को कौन सो रहे हैं जेता और गुमपा अपने आराम से टेंट में सो रहे हैं सुबह उठ करके देखते हैं कि यार सेना नजर नहीं आ रही अपनी अपने कुछ दो पांच हजार आदमी है अपने पर्सनल बाकी तो कोई है नहीं कहाँ गए हुए हैं तो साहब पता किया पता किया तो पता चला कि साहब मालदेव जो है उससे कल रात को ऐसी ऐसी बात हो गई थी आपने धोखा देने का ऐसा कोई लेटर उनको मिल गया था तो वो आपसे नाराज होकर के चले गए साहब जेता और कुंपा को भी बड़ा गुस्सा आया कि साहब हमसे तो पूछ लेते बिना पूछे आप ऐसे कैसे जा सकते हैं तो सब उनके साथियों ने कहा कि यार महाराज एक काम कराना आपा अब तो गया है तो कोई दिक्कत को नहीं है तो अब आप तो दो चार आदमी दो चार हजार आदमी कहीं कर ले सामने लाख की सेना है सात आठ हजार आदमी है आपा कहीं कर ले भी चला भाई जिससे लड़ाई थी भाई जोधपुर के राजा से लड़ाई थी वही आधे रास्ते में छोड़ करके चला गया अपना क्या है अपन क्यों लड़े अपन क्यों मरें लेकिन चेता और कुंपा वो व्यक्ति जिन्होंने कह दिया साहब अब तो कुछ भी हो जाए दाग लग गया है अपने ऊपर अपनी ईमानदारी पर दाग लग गया है अपनी वफादारी पर दाग लग गया है और अगर अपन ने अब पीठ दिखा करके भागे तो ये दाग अपने आने वाली नस्लों तक आने वाली पुश्तों तक आने वाली पीढ़ियों तक लगा रहेगा यह दाग अब तो चाहे कुछ भी हो जाए हम दो भाई आपस में दोनों भाई लड़ लें मिलकर के लेकिन इस आदमी से तो लड़ेंगे जरूर पता है मरेंगे मर जाएंगे पता है कि अपने पास में सात आठ हजार आदमी है सामने वाले के पास में कोई अस्सी हजार आदमी है अपने से तो दस गुना ज्यादा सेना है उनके पास में लेकिन फिर भी लड़ेंगे अपन उनसे लड़ेंगे और मरेंगे लेकिन जब तक सांस है जब तक सांस है तब तक तो इसको एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे जब तक अपने शरीर में एक खून की बूंद है तब तक हुआ भी ऐसा ही इधर शेरशाह सूरी को लग रहा था कि मालदेव चला गया है तो शेरशाह सूरी ने अगले दिन पूछा कि यार ये जो थोड़े बहुत ये जो बच्चे में ये कि ये क्यों नहीं जा रहे तब तो उनके गुप्तचरों ने बताया कि साहब ये तो लड़ेंगे आपसे शेरशाह सूरी ने कहकर इनका दिमाग खराब है सामने संख्या नहीं देख रही है सेना की अरे कैसे लोग कि साहब ये राजस्थान के राजपूत है ये ऐसे ही होते हैं अगर सड़क गई तो सड़क गई फिर लड़ना है तो लड़ना ही है चाहे कुछ भी हो जाओ तो यार इनको मरने से डर नहीं लगता है कि साहब मरने के लिए तो जन्म होता है इनको क्या कहता कि इनका जन्म ही मरने के लिए होता है वीरगति पाने के लिए होता है इसलिए कहते हैं आठ बरस तो कुकर जिए बारह जिए सियार बरस अट्ठारह क्षत्रिय जी ने जिए आगे जीने को धिक्कार ये तो कहा भी गया है क्षत्रिय के लिए तो कि आठ बरस तो कुकर जी जिए कुत्ता आठ साल जीता है बारह जिये सियार एक सियार जो होता है बारह साल जीता है बरस अठारह क्षत्रिय जिए एक क्षत्रिय की उम्र अठारह साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अट्ठारह साल की उम्र में तो उसे वीरगति पा लेनी चाहिए आगे जीना है बेकार ये कहा गया है शेर शाह सूर्य बड़ा मसमराइज होता है यार यार कमाल के लोग हैं यहां पर कोई बात नहीं लड़ना ही चाह रहे हो तो लड़ते हैं फिर मसल के रख दो इनको लेकिन जेता और कुंपा है सामने जेता और कुंपा ने जो लड़ाई लड़ी है भाई साहब आदि से ज्यादा सेना काट थी शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से जीत पाया था एक बार तो हलक से उसकी जबान बाहर निकल गई थी शेरशाह सूरी की, की। भाई मरगा आज तो ये मारवाड़ के रट हो तो ले बैठे आज अपने को ये जेता कुंपा ले बैठे आठ दस हजार की सेना अस्सी हजार की सेना से यानी चालीस पैतालीस हजार की सेना को काट चुकी थी अभी तक इनके लोग जीवित थे लड़ रहे थे एक आदमी छ को दस दस को मार रहा था यह देख करके शेरशाह सूरी का दिमाग बेजा घूम गया पूरा का पूरा मरे भाई साहब जैसे तैसे करके और सभी राठौड़ों को जो लड़ रहे थे वहां पर उन सब को मौत के घाट उतारा गया सब ने वीर गति पाई लड़ते हुए जेता और कुंपा ने युद्ध भूमि के अंदर वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीर गति पाई शेरशाह सूरी देख करके ये हक्का बक्का रह गया और उसने राहत की सांस लेके हे भगवान जीत गए और जैसा आप लोग सब ये लिख रहे हो कि मैं मुट्ठी बर्बाद रे के लिए हिंदुस्तान की खो देता ये तो उसके मुंह से ऐसे ही निकल गया जब वो जीत गया ना ऐसा होता है ना कई बार कि अपन रोड पर चल रहे होते हैं एकदम से कोई ट्रक पास में से जाके निकलता है तो अपन गाड़ी साइड में लगा करके अरे बाप रे बच गए आज तो बस वैसा का वैसा हाल जो किसका हुआ था शेरशाह शाह के अरे बाप रे आज तो बच गए नहीं तो आज तो ले बैठते हैं राठौड़ इतने शानदार तरीके से लड़े जेता और कुंपा इतना बुरा मारा है शेरशाह सूरी को तभी तो, तो शेरशाह सूरी के मुंह से बरबस ये निकल गया था कि बोलियो सूरी राज और घाट घमसाण मुठ्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदुआण कि मैं एक मुठ्ठी पर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाह को खो देता यह है आपका गिरी सुमेल युद्ध बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में तो इसको इम्पोर्टेंट करना है इसका साल भी याद करना है इसका पहले बता रहा हूँ गिरी सुमेल किस किस के बीच में हुआ था राम मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में ठीक है तो अविश्वास की वजह से अविश्वास के कारण और यदि अगर इस युद्ध में मालदेव पीछे नहीं हटता मालदेव अपनी सेना लेकर के वहां खड़ा होता तो ये युद्ध 100% परसेंट मालदेव जीतता शेषा सूरी मैदान छोड़ के भागता 101%। परसेंट अविश्वास के कारण मालदेव पीछे हट जाता है पीछे हट जाता है ठीक है मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा मालदेव के सेनापति मालदेव के सेनापति व कुंपा जेता और कुंपा दोनों राठौड़ हुआ करते थे इनके वंशज आज भी हैं पाली जिले के अंदर ज्यादातर निवास करते हैं पाली जिले में जैतावत जैतावत राठौड़ और कुंपावत राठौड़ पाली जिले में ज्यादा निवास करते हैं ये उनके वंशज हैं जेता और कुंपा युद्ध करते हैं अपनी अपनी थोड़ी सी सेना के साथ में थोड़ी सी सेना के साथ सेना को लेकर शेरशाह से शेरशाह से युद्ध करते हैं युद्ध करते हैं ठीक है आगे बात तो सुनने हाँ गुड इवनिंग रूपाली जी मैं न्यू स्टूडेंट हूँ कौन है पिंटू लकवाल हाँ भाई पिंटू स्वागत है ठीक है नया स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब कर ले भाई चैनल को है ना लाइक और शेयर कर ले अपने सभी साथियों के बीच में ठीक है हाँ जुड़ो देखे फटाफट जुड़ो सारे के सारे कितने जने चल रहे हो देखे बताओ कितने जने चल रहे हो कितने जने लाइव हो सर वो लाइव वाला निकलना इसको थोड़ा छोटा कर दो नहीं 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 हाँ इसको छोटा कर दो हाँ बस दबा दो इसको बस लाइक और शेयर नहीं हो रहे आप लोगों से लाइक और शेयर नहीं हो रहे भाइयों कैसे काम चलेगा ऐसे हाँ चलो बहुत बढ़िया ठीक है तो यहां पर ये बात हो गई युद्ध में ये क्लास कब से चल रही है ये क्लास पाँच से छः बजे चलती है और मतलब कि कहना का मतलब है अपना कि आज दसवीं दसवीं क्लास है दसवीं से भी ज़्यादा गई आप देख लेना आपके प्ले में मिल जाएगी ठीक है यह युद्ध कौन जीत जाता है शेर शाह बड़ी मुश्किल से जीतता है शेर शाह बड़ी मुश्किल से यह युद्ध जीतता है मुश्किल से यह युद्ध जीतता है उसके मुंह से बरबस ये क्या निकल जाता है कि मैं मुठ्ठी वर्ग बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाह को खो देता ये क्वेश्चन ध्यान रखना हमेशा पूछा जाता है कि ये शब्द किसके हैं या ये शब्द जो है ये कथन जो है ये किसने कहा और किसके बारे में कहा भाई मारवाड़ के लिए कहा किस युद्ध के अंतर्गत कहा तो यह कौन से युद्ध में गिरी सुमिल के अंतर्गत शेरशाह का कथन शेरशाह का कथन क्या कि मैं मुट्ठी भर मुट्ठी भर बाजरे के खातिर खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता ये अच्छे से याद रखना भाई ये किसने कहा था बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये कथन ठीक है हाँ भैया लाइक और शेयर करो भैया पचास प्लस करो आज क्या चक्कर है पिछली बार तो कर दिए थे तुमने आज जने जुड़े क्या बात है ठीक है तो ये शेरशाह का कथन था अब क्या हुआ ये युद्ध तो कौन जीत गया शेरशाह शेरशाह आगे बढ़कर के जोधपुर पर अधिकार कर लेता है और मालदेव जो है वो सिवाना चला जाता है कहां चला जाता है सिवाणा सिवाना कहां पड़ता है बाड़मेर में पड़ता है और सिवाना जो है सिवाणा का जो किला है वो मारवाड़ के राठौड़ों की शरणस्थली कहलाता है संकटकालीन राजधानी कहलाता है मारवाड़ के राठौड़ों की आगे बात समझ में शेरशाह शेरशाह जोधपुर पर अधिकार कर लेता है जोधपुर पर अधिकार कर लेता है हालांकि जब शेर शाह वापस घूम करके जाता है तो पीछे से अधिकार कर लेता है वापस जोधपुर पर कौन मालदेव सर नोट्स कब दोगे काश कैसे दू साक्षी जैन कैसे दू नोट्स बता कैसे दू अब ऑनलाइन तो भाई यूट्यूब के ऊपर तो कैसे दे सकते हैं आप कोर्स ज्वाइन कर लो वहां मिल जाएंगे सारे नोट्स शेर सा जोधपुर पर अधिकार कर लेता है या फिर जो यहां पर आ, ये जो विजय एजुकेशन क्लासेस के जो नंबर आ रहे हैं फोन नंबर आ रहे हैं उस पर आप फोन कर लो बात कर लो उनसे ठीक है शेरशाह जोधपुर पर अधिकार कर लेता है मालदेव सिवाना चला जाता है मालदेव कहां चला गया मालदेव सिवाना सिवाना का पड़ता है बेटा बाड़मेर में मालदेव सिवाना चला जाता है चला जाता है और ये क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि राठौड़ों की, की संकटकालीन राजधानी कौन सी है या राठौड़ों की सर मारवाड़ के राठौड़ों की कौन सी है भैया हाँ मेवाड़ की तो कुंभलगढ़ है मारवाड़ के राठौड़ों की यह क्या है बेटा मारवाड़ के राठौड़ों की सिर्फ मारवाड़ के किशनगढ़ के राठौड़ों की नहीं बीकानेर के राठौड़ों की नहीं है ये मारवाड़ के राठौड़ों की है मतलब जोधपुर के मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थल शरणस्थली क्या कहा जाता है शिवाणा को मारवाड़ के राठौड़ों की शरणस्थली कहा जाता है राम 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 हीरामन बाबा भरतपुर से हाँ भाई स्वागत है स्वागत है स्वागत है ठीक है और बात करें यह हो गया आपका गिरिशुमिल का युद्ध आगे और एक युद्ध की और बात करें तो पंद्रह में हरमाड़ा का युद्ध हुआ था हरमाड़ा का यह जो युद्ध हुआ था उसके अंतर्गत हालांकि पंद्रह के अंदर जो है पंद्रह सौ के अंदर जो है आ, मावली का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर महाराणा उदय सिंह जी जो है उनकी सहायता करी थी उनकी सहायता करी थी मालदेव ने उदय उदय सिंह जी को तख्त पर बिठाने में मेन हाथ मालदेव जी का ही है मालदेव जी ने ही उनको तख्त पर बिठाया था मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को आगे बात समझ में लेकिन राजनीति क्या कहती है आगे चल करके जब सत्रह साल बाद में सत्तावन के अंदर महाराणा उदय सिंह और हाजी का पठान ये जो अजमेर का एक सूबेदार हुआ करता था इन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ तो हाजी खा पठान का साथ दिया था मालदेव ने उदय सिंह का नहीं दिया था और ये युद्ध उदय सिंह हार गए थे तो ये मालदेव की सेना एंड एं मौके पर मालदेव अपनी सेना लेकर के उतर जाते हैं आगे बात समझ में तो चलो आगे बात करें हरमाड़ा का युद्ध समझ में आ गया लिख लो पहले हरमाड़ा अजमेर में पड़ता है हरमाड़ा का युद्ध 1557 हरमाड़ा के युद्ध में महाराणा उदय सिंह महाराणा उदय सिंह के विरुद्ध उदय सिंह के विरुद्ध विरुद्ध अजमेर के हाजी खां हाजी खां पठान की सहायता करते हैं बात समझ हाँ क्या गतिश से शेयर भी कर दिया हाँ, सभी भाई बहनों को लाइक और शेयर करें ज्यादा बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ठीक है कहते हैं कि साहब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा करके कब्जा किया था दिल्ली पर हुमायूं जब हार गया शेरशाह सूरी से तब तो वो भागता फिर रहा था तो भागते हुए एक टाइम में वो फलोदी में भी रुका था जोधपुर के पास में फलोदी तो फलोदी में भी रुका था फलोदी में जब वो रुका तो उसने अपने कुछ गुप्तचर जो है यानी अपने कुछ दूत भेजे थे किसके पास में मालदेव के पास में सहायता के लिए आगे बात समझ में मालदेव के पास में सहायता के लिए अपने दूत भेजे रायमल सोनी अतका खान मीर समेत ये तीन दूत भेजे थे ये तीन दूत जो है हुमायूं ने भेजे थे किसके पास में मालदेव के पास में लेकिन जब बाद में जब पता चला उसको यार ये तो आदमी खराब है लोगों ने पता अच्छा मालदेव ने जब वो आए तो मालदेव ने उसका ना पॉजिटिव आंसर दिया है ठीक है हुमायूं का कब्जा किया था उसका बदला लेना है मेरे को। तो चलो बढ़िया है तो दोनों मिल करके आक्रमण करते हैं किसके ऊपर उस शेर शाह सूरी पर आक्रमण करते हैं तो उसको हराते हैं तो कह सकता ठीक है ये भी अच्छी बात है जब उसके पास में वापस ये जब रायमल सोनी अतका खान और आपका मीर सम्मेद ये तीन जो दूत थे ये जाकर के हुमायूं को कहते हैं कि साहब वो तो मान रहा है कि साल ठीक है आप यहीं पर रहो हमारे पास में आपको बीकानेर की जागीर दे देता हूं मैं और सूरी से लड़ते हैं लेकिन हुमायूं जो है उसने पता किया कि पहले पता करोगे मालदेव किस मिजाज का आदमी और जब उसका मिजाज पता किया वही वाली बात अविश्वास कि आदमी खतरनाक है लोगों के प्लॉटों पर कब्जा करता फिरता है मालदेव अभी तो तुम्हारा साथ दे करके शेर शाह को हरा देंगे तुम लोग दोनों और तू क्या सोचता है कि तेरे को दिल्ली पर बैठने देगा ये खुद दिल्ली पर बैठेगा मालदेव जो उसके चाटुकार थे हुमायूं के उनके जो साथ में जो लोग थे उन्होंने हुमायूं को समझाया अरे क्या भाई साहब बहुत खतरनाक आदमी है ये जा जाकर के वहाँ पर ना तो दिल्ली के तख्त पर खुद बैठेगा तेरे को लात मार के भगाएगा हाँ कृष्णा भाई राम राम इंग्लिश की क्लास भी लगाएंगे डीपी लगाएंगे लगाएंगे है ना तो अगर अपन बात करें तो अविश्वास की वजह से हुमायूं मालदेव के पास में नहीं रुका इवन वो फलोदी से जोधपुर भी नहीं गया जबकि जो जोधपुर बुलाया था मालदेव ने कि आप जोधपुर पधारो जोधपुर आओ यहां बैठ करके बात करते हैं वो जोधपुर भी नहीं गया भाई साहब वो जोधपुर के बाईपास से होता हुआ सीधा सीधा सिंध में चला गया सिंध के अंदर भी अमरकोट एक जगह पड़ती है अब आजकल तो उसको उमरकोट कहते हैं बाकी उसका नाम वास्तविक नाम अमरकोट है अमरकोट चला गया था और वहीं पर रहा था वहीं पर जो है ना अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में आगे बात समझ में तो यहां पर अगर अपन बात करें तो शेरशाह सूर्य के खिलाफ मालदेव ने मालदेव ने शेरशाह सूर्य के खिलाफ सूर्य के खिलाफ हुमायूं को सहायता देने का वादा किया हुमायूं को सहायता देने का वादा किया सहायता देने का क्या किया बेटा वादा किया था लेकिन हुमायूं अविश्वास की वजह से कहां चला जाता है हुमायूं अविश्वास की वजह से जोधपुर नहीं जाता और कहां जाता है मालदेव की पुत्र अच्छा गण उठाया भाई ठीक है हुमायूं, अविश्वास अविश्वास के कारण सिंध की सिंध की तरफ चला जाता है सिंध की तरफ चला जाता है आगे बात समझ में तो ये तो कुछ बातें हुई किसके बारे में मालदेव के बारे में मालदेव के मतलब उनके युद्धों के बारे में अब इसके कुछ हाँ इतिहास तो बहुत लंबा है बे पिंटू मजे आते हैं भाई इतिहास में तो ठीक है इतिहास में मानता हूँ कि एक ऐसा सब्जेक्ट है हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से हाई हटा दो एच आई हटा दो तो स्टोरी बचती है तो इसको स्टोरी के रूप में ही याद करना कहानियों के रूप में ही याद करना इसलिए मैं इनको कहानियों के रूप में पढ़ाता हूँ अब चलो कहानी का नाम आ गया तो चलो कहानी सुना देता हूँ आपको हनुमान मीणा जी ले लिया हनुमान जी राम राम ले लिया तुम्हारा नाम ठीक है अब कहानी सुनो सारे सुनोगे सारे के सारे, सारे। बड़ी शानदार कहानी है किसकी मालदेव की मालदेव माल मैंने बताया था कि वो बड़ा खतरनाक आदमी आसपास के सभी राजाओं के राज्यों पर अधिकार कर रहा था तो इसकी नजर पड़ी जैसलमेर पर जैसलमेर के राव लूणकरण हुआ करते थे राव लूणकरण जो थे उन्होंने कहा यार ये तो जैसलमेर पर कब्जा कर लेगा बहुत खतरनाक शासक था मालदेव और जैसलमेर के राव लूणकरण की एक बेटी हुआ करती थी उमादे तो लूणकरण ने सोचा कि एक काम करते हैं इसको अपना जमाई बना लेते हैं फिर ससुरे पे तो थोड़ी कोई ससुर जी पे थोड़ी कोई हमला करेगा सर कल क्या टॉपिक होगा यही मारवाड़ का इतिहास चलेगा ठीक है गुड इवनिंग मोहनलाल एक बार पचास प्लस करो भैया शेयर करके फटाफट से लाइक और शेयर करो फटाफट से पचास प्लस करो अभी छत्तीस पैंतीस छत्तीस पैंतीस ही चल रहे हो दस पंद्रह जने और चाहिए दो दो साथी भी जोड़ लोगे तो हो जाएगा अपना अपना काम तो आज का पचास प्लस करो सारे के सारे मिल करके तो अगर अपन बात करें तो उमादे का विवाह कर दिया लूणकरण ने किससे मालदेव से ब्याह माल करवा दिया साथ? हाँ बहुत बढ़िया विकास आर्मी मिलावर थैंक यू भाई ठीक है तो उमादे जो है उससे ब्याह करवा दिया ब्याह करा करके भाई साहब आए अपने जोधपुर आ गए वापस जोधपुर जब आए नए नए शादी करके आए हुए कौन मालदेव जी और दोस्तों के साथ में बैठ करके अपने जो मंत्री लगन है उनके साथ में बैठ करके पार्टी कर रहे धमाधम दम पैक पे पैक चल रहे खूब अयाशियाँ और ये मस्त शराब कबाब सब चल रहा है इधर जो है कि साहब आज शादी हुई है आपकी आज आपकी सुहागरात है तो साहब अब सुहागरात का समय हो गया है जाइए मालदेव जी नशे के अंदर जाते हैं फुल नशा और रखा था मालदेव जी मालदेव जी रानी के महलों में जाता है जब राजा जा रहा है तो पहले ही खबर दे दी जाती है कि राजा साहब आ रहे हैं राजा साहब आ रहे हैं जय माता जी के गजेंद्र राठौड़ साहब हाँ बहुत बढ़िया पचास परसाना चाहिए आज अपने ठीक है तो साहब अब जो है वो फुल नशे के अंदर जा रहे हैं महल में जा रहे हैं तो खबर पहुंचा दी उमादे के पास में कि राजा साहब आ रहे हैं राजा साहब आ रहे हैं तो उमादे ने कहा कि साहब एक काम करो राजा साहब को दो मिनट के लिए रोको उनको हाँ, हरीश भारला भी स्वागत भी बहुत दिनों बाद आए है, है ना तो साहब क्या कहा उनको कि उमादे ने अपनी जो दासी थी मैंने आपको पहले भी बताया था जब मेवाड़ पढ़ाया था तो मैंने मेवाड़ में बताया था आपको कि राजस्थान के इतिहास में एक तो काका भतीजे की जोड़ी और एक दासियों में भारमली नाम की दास जो है ना जितने उधम मचाएगी जितने कांड करेगी उतना कोई नहीं करता यहां पर भी उमा दे की एक दासी हुआ करती थी पहले के जमाने में जब रानियां जब यानी राजकुमारियां जब शादी करके अपने ससुराल जाया करती थी तो साथ में उनके दासियां जाती थी पांच सात अपनी इच्छा के अनुसार कभी दस पंद्रह हो गई कभी बीस हो गई इस तरह से दासियां भेजा करते थे दहेज में तो इनकी एक दासी हुआ करती थी भारमली उमादे की तो भारमली ने उमादे को कहा कि ए सॉरी उमादे ने भारमली को कहा कि वो राजा साहब आ रहे हैं राजा साहब को कहो कि थोड़ी देर वेट करे बाहर वाले रूम के अंदर मैं तैयार होके आ रही हूं तो वो तैयार होने लग गई अब भारमली जाती है किधर राजा साहब मालदेव के पास में और भारमली जो है वो बला की सुंदर उस समय की उमा दे से तो कई गुना ज्यादा सुंदर एक दासी इतनी ज्यादा सुंदर और मालदेव जी फुल नशे में भारमली ने जाकर के राजा को कह रही है रानी साहब तैयार हो रही है तू कौन है गए तो मैं साहब उनके दासी हूं भारमली जब उसको देखा मालदेव ने बारमली इतनी सुंदर थी वैसे तो आदमी लड़का सख्त था लेकिन यहां वो पिघल गया वैसे तो वो क्या था वैसे तो वो मालदेव बड़ा सख्त था सख्त लड़का था लेकिन यहां वो पिघल गया उसने पकड़ लिया हाथ किसका बारमली का और उसका हाथ पकड़े हुए को देख लिया किसने उमादे ने उमादे ने जब ये सीन देख लिया तो उमादे उसी दिन से रूठ गई मालदेव से रूठ गई उमादे पूरी रात सोचती रही कि मैं इस व्यक्ति से ब्याह करके आई हूं और एक दिन भी नहीं हुआ यह किसी और पर वो भी दासी के साथ में उमादे रूठ गई अगले दिन जब नशा उतरा मालदेव गया उमा देवी के पास में जाकर के उमादे के पास में जाकर के उसने कहा भाई रात को गलती हो गई मैं नशे में था क्षमा करें माफ करें उमादे ने क्षमा नहीं किया उसने कहा मैं एक क्षत्राणी हूं सोच लिया जो सोच लिया उसने ये कहा कि मान रखे तो पीव तज पीव रखे तज मान दो दो गयंद न बंद हूं एक ही खंबू ठाण यानी कि मान रखे तो पिव तज यदि तुझे अपना आत्मसम्मान प्यारा है तो पिव पीव का मतलब होता है पति पति को त्यागना पड़ेगा और पीव रखे तजमान और अगर पिव पति को पति के साथ रहना चाहती है तो तुझे अपना आत्मसम्मान खोना पड़ेगा दो दो गयंद न बंद हूं गयंद कहते हैं हाथी को दो हाथी एक ही थ, एक ही खंबू उठाण एक जो ठाण होता है खम, एक जो खंबा होता है उस पर दो हाथी नहीं बांधे जा सकते इसी प्रकार उमादे ने क्या कहा कि दो दो एक एक पति से, मेरा, मेरा से मैं आपसे बात नहीं करूंगी मैं जो है यह छोड़ करके जा रही हूं और उमादे जोधपुर छोड़ करके चली गई अपने पीहर आ गई वापस कहा जैसलमेर सर रिप्लाई प्लीज किस बात का वेडिंग क्लिक कर अट्टा बारा क्या कर रहा है क्या चाहिए हाँ ठीक है अब उसकी बात करें अगर अपन आप अब वो आ गई कहां पर जैसलमेर जैसल आ गई जैसलमेर आकर के माता पिता ने पूछा कि तू इतनी जल्दी कैसे आ गई क्या बात हो गया साहब ऐसी ऐसी बात हो गई तो पिताजी को गुस्सा आया लूनगरण को गुस्सा आया कि ऐसी कौन सी दासी है जिसने मेरी बेटी का घर उजाड़ दिया बुलाया जाए उसको सर हिंदी क्लास कब लगेगी चल जाएगी यार पता नहीं मुझे लकवाल गोलू देख लेना है ना चैनल विजिट कर लिया करो तो मैं टाइम पता चल जाएगा तो साहब जैसलमेर के रा, राव लूणकरण ने बुलवाया कि साहब बुलवाओ दासी को तब बुलवाया गया किसको बुलवाया गया भारमली को बुलवाया गया अब भारमली इतनी सुंदर कि राव लूणकरण जो है उसके सामने जब पेश किया गया भारमली को तो उसका रूप सौंदर्य देख करके लूणकरण जी पिघल गए वैसे तो यहां पर भी वो सख्त लड़का था लेकिन यहां भी वो पिघल गए लूणकरण जी भी पिघल गए बारमली को देख करके और लूणकरण जी ने बारमली को देख करके कोई इसको कुछ नहीं कहेगा नहीं नहीं गलती नहीं है इसकी छोरी की गलती नहीं है देखो कितनी मासूम लग रही प्यारी लग रही लड़की कहा गलती हो सकती है इसकी इतनी इतनी सुंदर और मासूम लड़की की कभी कोई गलती होती है नहीं लड़कियां कभी गलती नहीं करती लड़कियों को कभी फेल होते हुए देखा है नहीं होती है लड़कियां पेपर में थूक कर भी आ जाती तो भी पास हो जाती है लड़कियां पढ़ाई करती है वो उसी प्रकार से इसने कहा कि भाई ये लड़की है इतनी सुंदर लड़की है ये गलती कर ही नहीं सकती अब ये बात जो है उमादे की जो मां है उसको पता चल गया कि मेरा पति भी डोल रहा है मेरे पति का मन भी डोल रहा है मेरी बेटी का घर जो तोड़ा जो तोड़ा मेरा खुद का घर भी तोड़ेगी अब ये। तो जो लूणकरण की जो रानी थी यानी कि उमादे की जो मां थी वो थी बाड़मेर में एक जगह पड़ती है कोटड़ा कोटड़ा गांव पड़ता है एक छोटा सा गांव वहां का जागीरदार हुआ करता था और इसके उमा दे के मामा हुआ करते थे बाघ सिंह जिनको बाघा कोटड़ा को भी कहते हैं बाघ जी कोटड़ा भी कहते हैं उनको बोला वो कुमारे थे तो उमादे की माँ ने अपने भाई को फोन किया खबर भेजी कि भाई मेरे यहां पर तेरी भाणजी का घर भी तुड़वा चुकी है एक महिला मेरा घर भी तुड़वाने पर तुली हुई है तू आ जा और उसको ले जा राम राम रंजीत भाई तू आ जा और इसको ले जा बाघ जी कोटड़ा आ गए साहब वो आ गए आकर के उन्होंने उठाया किसको किडनैप किया किसको भारमली को किडनैप किया और भारमली को उठा करके ले गए और रास्ते के अंदर जो है देखो अब यहां पर रास्ते के अंदर अगर अपन बात करें तो रास्ते के अंदर जो है बाघा कोटड़ी कोटड़ा जो है बाघ जी जो है उनसे प्रेम हो जाता है किसको बारमली को आगे बात समझ में किनको प्रेम हो जाता है बारमली को प्रेम हो जाता है किससे बागजी जी से अब तक बारमली को न तो मालदेव से प्रेम हुआ था न लूणकरण से प्रेम हुआ था उसे प्रेम होता है बाघ जी से बाघ जी लेकर के आ जाते हैं और दोनों आपस में प्रेम करने लग जाते हैं तो कहते हैं एक बार कि काफी दिन हो गए उमादे जा ही नहीं रही थी उमादे इतिहास में रूठी रानी के नाम से फेमस हुई वो जोधपुर कभी गई नहीं जब मालदेव की मृत्यु हुई थी तब उसके एक तलवार के उसकी एक निशानी के साथ में वो सती हुई थी वो भी मेवाड़ के अंदर एक जगह पड़ती है राजसमंद जिले में केलवा गांव पड़ता है वहीं पर उनका दाह संस्कार हुआ था वहीं पर वो सती हुई थी आज भी उमादे की छतरी वहां पर स्थित है केलवा गांव में तो कहते हैं एक मालदेव के एक दरबारी चारण कवि हुआ करते थे आशानंद जी आशानंद जी जो है ना उनको है भेजा मालदेव ने कहा यार देखो उमा दे तो आ नहीं रही है तुम कम से कम बाहर मिली को तो लाओ आशानंद जी तुम जाओ पता करो कहाँ है कि साहब वो बाघ जी कोटड़ा है जो है उनके वहां पर है बाघ जी कोटड़ा रिश्तेदार लगते हैं अब इन छोटी सी बात के लिए साहब उसके ऊपर तो हमला नहीं कर सकते तो आशानंद जी को भेजा कि आशानंद जी तुम जाओ कम से कम उमादे तो आ नहीं रही है आशानंद जी जाते हैं आशानंद जी जब जाते हैं तो वहां जाकर के देखते हैं दोनों के बीच में प्रेम देखते हैं बाघ जी कोटड़ा और भारमली के बीच का प्रेम देखते हैं आशानंद जी इतने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं अच्छा जब उनको पता चलता है कि आशानंद जी आ रहे हैं जोधपुर से तो बाघ जी और बाघा और भारमली दोनों मिलकर इतनी आव भगत करते हैं इतनी आव भगत करते हैं आशानंद जी कि वो अपने आने का प्रायोजन भूल जाते हैं कि मैं क्या लेने आया था वह आकर के जब देखते हैं तब कई भी महीना डेढ़ महीना हो गया साहब उधर बाट नाड़े कौन अपने मालदेव मालदेव के भाई साहब ये तो आए नहीं अभी तक उन्होंने पत्र लिखा आशानंद जी को अरे महाराज आशानंद जी क्या लेने गए थे महीना डेढ़ महीना हो गया कोई खोज खबर ही नहीं है तब याद आता है उनको अरे यार मेरे को तो राजा ने इसलिए भेजा था लेकिन उनका प्रेम देख करके फिर वो वापस पत्र लिखता है कौन लिखता है आशानंद बारहट पत्र लिखता है पत्र लिख करके कहता है कि जहां सर्वर मोरियो जो सॉरी जहां तरवर सह मोतः मोरियो जह सरवर तह हंस क्या लिखा उसने कि जह तरवर तह मोरियो, जह सॉरी uh, जह सरवर तह हंस जय भारमली, जय दारू तय मंस कि जहां एक पेड़ है वहां मोर भी है जहां पर एक तालाब है वहां पर हंस भी है उसी प्रकार जहां दारू होगा उसमें मीट भी होगा मांस भी होगा उसी प्रकार जहां बाघा होगा उसी के साथ भारमली होगी दोनों अलग नहीं रह सकते और ऐसे करके आशानंद ने लिखा था कि जह सरवर तह, तह हंस जह बाघो तह भारमली जह दारू तह मंस और खुद ने भी मना कर दिया था कि भाई साहब मेरे कुछ कपड़े और भेज देना गाड़ी में रखवा देना मैं भी नहीं आऊंगा मेरे बागा से बहुत बढ़िया दोस्ती होगी मैं तो अब यहीं रहूंगा बागा के पास में और नंदी ता उम्र कहां पर रहे थे कोटड़ा कोटड़ा रहते बाघ जी के पास में और ये कौन है अभी वेडिंग क्लिकर आटा बारा अरे तेरे को तीन बार तो बता दिया रे तू क्या पागल हो गया बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा है अभी वो हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा मालदेव की उपाधि बता तो दी उसने कमेंट तो कर दी इतनी सारी और क्या चाहिए बात बावड़े हो गया क्या बिल्कुल ही पागल है भेजी सर की तारी कमेंट बंद करो सर और दूसरे कमेंट देखने नहीं देता बार बार कमेंट कर रहा है ब्लॉक करो उसको तो अब आगे अगर अपन बात करें तो बाघा और भारमली जो है वो इतने प्रेम में रहे कहते हैं कि साहब बाघा और भारमली की जब मृत्यु हो जाती है तब आशा नंद जी इतने दुखी होते हैं इतने दुखी होते हैं कि साहब आशा नंद जी का मन ही नहीं लगता कहीं पर वो दिन भर इतना अपने मित्र को इतना चाहने लगे थे अपने मित्रता को इतना चाहने लगे थे बाघा जी को इतना याद करते थे कि रोज उनका नाम लिए बगैर वो नहीं रह सकते थे तो एक बार अमरकोट के राणा ने एक शर्त रखी कि अगर नंद जी एक दिन के लिए अगर 24 घंटे के अंतर्गत एक भी बार अगर वो बागा जी का नाम नहीं ले तो मैं दो लाख रुपए इनाम आशा नंद जी के बेटे ने कहा कि पापा मत लेना अंकल का नाम अपने थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे बिजनेस बिजनेस कर लेंगे हम लोग बड़ी मुश्किल से बाघ क्या नाम आशानंद जी मान गए लेकिन पहला पहर बीता बड़े बेचैन से थे दूसरा पहर भी था बड़े बेचैन से थे लेकिन तीसरे पहर में उनके मुंह से नाम निकल ले गया अरे हमारा बागा तो जैसे ही नाम निकला सैनिकों ने कहा देखो साहब नाम ले लिया साहब हार गए लेकिन उनकी दोस्ती को देख करके अमरकोट के राणा ने उनको वो इनाम जरूर दिया इस प्रकार की बाघा और आशा जी की इस प्रकार की दोस्ती हुआ करती थी और बाघा और भार की इस प्रकार जो है प्रेम कहानी है राजस्थान में बहुत फेमस है बाघा की प्रेम कहानी आगे बात समझ में तो हुमायूं अविश्वास के अब आगे बढ़ते हैं अपन मालदेव की रानी मालदेव की रानी मालदेव की रानी का नाम क्या था उमा दे उमा दे और ये किसकी बेटी थी जैसलमेर के लाल रा, राव जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री पुत्री ठीक है हाँ राम राम भाई आर्यन ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दिया है तो सही है। हाँ नहीं ऐसे ये जो बदमाशी करते हैं वो तो ब्लॉक होंगे सही ठीक है ये रानी जो है उमा दे उमा दे इतिहास में किस नाम से फेमस है इतिहास में रूठी रानी के नाम से नाम से प्रसिद्ध किस नाम से प्रसिद्ध बेटा रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है आगे बात समझ में हां लाइक एक कम पड़ रहा है लेकिन आपने आज पचास प्लस नहीं किए थे भी साथियों ऐसे काम नहीं चलेगा यार मजा नहीं आया फिर आज तो है ना उमादे इतिहास में किस नाम से रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है उमादे को मेवाड़ में केलवा की जागीर दी केलवा की जागीर मेवाड़ में किसकी जागीर दी उदय सिंह ने केलवा की जागीर दी महाराणा उदय सिंह जी ने इसको आगे बात समझ में और माराणा उदय सिंह जी ने इनको जब केलवा की के जागीर दी तो इनकी मृत्यु भी कहां हुई थी केलवा के अंदर ही आई बात समझ में हाँ बहुत बढ़िया तो ये थे पूरी -पूरी अपने किसके बारे में <coughs> किसके बारे में थी मालदेव के बारे में मालदेव के अन्य नाम मतलब उनकी जो उपाधियां वगैरह मैंने सब बता दी थी कि साहब कौन कौन क्या कहता है बदायूनी ने क्या कहता है, है फारसी इतिहासकार इसको क्या कहते हैं बावन युद्धों का विजेता ये सारी बातें मैंने पहले बता चुका था ठीक हा, है हाँ बहुत बढ़िया सबको शेयर करना ये आपका नैतिक जिम्मेदारी है अब मालदेव के बाद में अगला शासक अगर अपन पढ़ते हैं तो उस शासक का नाम है चंद्रसेन राव चंद्रसेन राव चंद्रसेन देखो अब यहां पर हुआ क्या रामचंद्र सेन मालदेव का तीसरे नंबर का बेटा था पहला नहीं था अगर अपन बात करें तो मालदेव के सबसे बड़े बेटे का नाम था रामचंद्र राम सिंह सेकेंड नंबर वाले बेटे का नाम था उदय सिंह तीसरे नंबर बेटे का नाम था चंद्रसेन और चौथे नंबर बेटे का नाम था रायमल क्या नाम था चौथे नंबर बेटे का नाम था रायमल तो सबसे बड़े बेटा था जो था राम सिंह उसको जो है शासक नहीं बनाया राम सिंह को तो दिया गुंदोज पाली में एक जगह पड़ती है गुंदोज वहां का प्रगना दिया मालदेव ने सेकंड नंबर बेटा जो था उदय सिंह उसको फलोदी परगना दिया तीसरा बेटा चंद्रसेन इसको बना दिया शासक और चौथा बेटा रायमल उसको दे दिया था शिवाणा तो रायमल को तो दिक्कत नहीं हुई भी, मैं तो वैसे ही छोटा हूं लेकिन बड़े वाले जो दो हैं राम सिंह और उदय सिंह इन दोनों को बहुत बड़ा बहुत बड़ी परेशानी हुई कि साहब हमसे छोटे को राजा कैसे बना दिया हमको क्यों नहीं बनाया राम सिंह ने कहा पहला हक तो मेरा है राम सिंह खुद अकबर के दरबार में चला जाता है अकबर के दरबार में चला चलाता पैंसठ के अंदर पंद्रह में अकबर के दरबार में चला जाता है बास या पैंसठ में शायद साल मेरे को अच्छे से याद नहीं है राम सिंह चला जाता है राम सिंह एक बार सेना लेकर भी चंद्रसेन पर आक्रमण करता है लेकिन उसमें हार जाता है उदय सिंह जो है उदय सिंह भी जल चला जाता है सर आपकी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे करो भी करो किसी के भी लिए पढ़ सकते हो वरुण कुमार मैं कह रहा हूं आर के लिए पढ़ सकते हो मैं जो पढ़ा रहा हूं यहां पर राजस्थान हिस्ट्री आर में आती है हर एग्जाम्स के अंदर जिसमें राजस्थान हिस्ट्री आती है उसके लिए आप पढ़ सकते हो आगे बात समझ में कोई मनाई नहीं है कोई रोकथाम नहीं है कोई रोक टोक नहीं है आगे बात समझ में तो राव चंद्रसेन जो है ना राव चंद्रसेन बड़ा प्रतापी शासक है ये <coughs> ये वो पहला शासक था जिसने मुगलों से क्या कहते हैं उसे दुश्मनी ली थी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी आप किसी के लिए भी पढ़ सकते हो मैं बोल रहा हूं ना आप किसी के लिए भी पढ़ सकते हो आगे बात समझ में कोई से भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो आप राजस्थान पुलिस के लिए पढ़ो रीट के लिए पढ़ो फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ो सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ो है ना और आपके क्या नाम उसका जितने भी एग्जाम्स हैं जिसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री आ रही है उसके लिए पढ़ सकते हो आ गई बात समझ में अब अगर अपन बात करें यहां पर यह वो व्यक्ति जिसने मुगलों का विरोध करना शुरू किया था राजस्थान में सर्वप्रथम इसलिए इनको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है इन्हें प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है आगे बात समझ में इसको भूला बिश्रा शासक भी कहते हैं क्योंकि अकबर पीछे पड़ चुका था अकबर के साथ में इसके दोनों भाई इसके पीछे पड़ चुके थे अकबर की सहायता लेकर के राम सिंह और मोटा राजा उदय सिंह उसको मोटा राजा उदय सिंह कहते हैं आगे बात समझ में तो उदय सिंह जो है उदय सिंह और राम सिंह ये दोनों अपनी अपनी सेनाएं लेकर के पीछे पड़ जाते हैं किसके रावचंद्र सेन के और अकबर की सेना मुगल इतनी बड़ी मुगल आर्मी को लेकर के जाते हैं शाही सेना लेकर के जाते हैं और रामचंद्र सेन के पास में इतनी बड़ी सेनाएं नहीं थी उसे जोधपुर छोड़ना पड़ता है जोधपुर से वो भाद्राजुण जाता है भाद्राजुंड से सिवाणा जाता है सिवाणा से घूमता हुआ ताउम्र वो जंगलों में भटकता है और ऐसे भटकते भटकते जगह जगह पर मुगलों की जो छोटी छोटी टुकड़ियां थी उनको मारता काटता हुआ पाली के अंदर एक सीरियर के सिचियाई गांव के अंदर जो है उसकी पहाड़ियों में इनकी मृत्यु हो जाती है लेकिन उन्होंने अपने ता उम्र घुटने नहीं टेके थे राव चंद्रसेन ने आगे बात समझ में तो इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं क्या कहते हैं इनके अन्य नाम राव राव चंद्रसेन का अन्य नाम क्या है इन्हें क्या क्या, क्या, क्या कहते हैं मारवाड़ का प्रताप मारवाड़ का प्रताप प्रताप का अग्रगामी प्रताप का अग्रगामी और भूला बिश्रा शासक मारवाड़ का भूला बिश्रा शासक मारवाड़ का भूला बिश्रा शासक आगे बात समझ में ठीक है मुगलों का विरोध किया मुगलों का विरोध किया ठीक है अकबर का जिसमें से मेन अकबर है अकबर का विरोध किया था ठीक है और ये आ, अकबर के नागौर दरबार में गया था 1570 के अंदर अकबर ने नागौर में एक दरबार लगाया था वो जब इस दरबार के अंदर गया था तो ये गया तो था वे अकबर के दरबार में सबको बुलाया है तो गया भी ये भी लेकिन वो जाकर के देखता कि अकबर के पास में इसका जो बड़ा भाई है उदय सिंह वो ऑलरेडी बैठा हुआ है राम सिंह और उदय सिंह ऑलरेडी वहीं पर बैठे हुए हैं उसका ये तो मेरे दुश्मन है भाई नहीं है तो ऐ तो दुश्मन है कि मारा अरे बात देख करके वो क्या यार मेरे भाई ने तो पहले ही भड़का दिया होगा अकबर को मेरे आने का कोई फायदा नहीं वो बिना वहां पर दुआ सलाम किए हुए निकल जाता है राव चंद्रसेन दरबार में आता जरूर है लेकिन कोई बात किसी से कोई बात नहीं करता यू वापस मुंह फेर करके चला जाता है अकबर पूछता है उदय यार वो तुम्हारा भाई आया था अभी मैंने देखा था चंद्रसेन को आया था यहां साहब अभी आया था लेकिन आपको गलिया निकाल के गया आपको बड़ी बुरी बुरी गलिया देकर गया सर ये दरे नाम नेम है क्या ये सारे मतलब इसके उपाध क्या कहते हैं अन्य नाम कहते हैं ना अपनी उपाधियां देते हैं है ना अन्य नाम ठीक है हाँ वही शुक्र तालाब बनवाया ठीक है तो अपन बात करें तो अकबर को बड़ा गुस्सा आया अच्छा मेरे को गड़े निकल के क्या मेरे से दुआ सलाम भी नहीं की इसने कि नहीं साहब ये है ही बदतमीज हमारे घर में तो ये बदतमीज आदमी है आपको तो दो चाटे लगा दूँ इसके उदय सिंह और राम सिंह ने कहा कि तू तो फिर इतने दिन से लगा क्यों नहीं रहे हो कि सर हमारे पास में क्या है कि थोड़ी सेना कम है तो मेरे आदमी ले जाओ अरे लेकिन इसको तुम्हारे भाई को सबक सिखाओ इसको लखण सिखाओ इसको मैनर सिखाओ क्या आप तो अपनी आदमी दोगे मेरे को उदय सिंह आर्मी लेता है किसकी मुगल आर्मी लेता है और पीछे पड़ जाता है किसके तो ये मुगल अकबर के दरगे अकबर के 1570 के नागौर दरबार में जाता जरूर है लेकिन अपने प्रतिकूल वो देखता है सिचुएशन देखता है तो बिना दुआ सलाम करके वापस आ जाता है वहां पर वो नहीं रुकता इस वजह से अकबर नाराज हो जाता है अकबर पीछे सेना भेजता है आपकी बात समझ में हाँ बहुत बढ़िया चलो भाई तो आज के लिए भाई इतना काफ़ी है बाकी की इनकी कई सारी बातें हैं अभी तो वो अपन कल पढ़ेंगे कल वाली क्लास फिर से पाँच से छः बजे होगी ठीक है मारवाड़ की हिस्ट्री तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आना ठीक है तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत